Hi guys, this is me, your favorite AKR, and you're watching Akshay Kumar, our YouTube channel. So, आज दो बहुत अच्छी न्यूज है, तो दोनों ही सुन लो. फर्स्ट तो ये हमें फाइनली शादी में जाने का मौका मिल गया. मतलब पहले भी इन्विटेशन आते थे, बट पूजा दीदी और अजय की वजह से, मतलब उनको देखभाल करने की वजह से हम लोग नहीं जा पाते थे. कोई बहुत मेजर फंक्शन होता था, बहुत क्लोज उनका होता था, सिर्फ पापा चले जाते थे. वो भी लाइक सुबह वो ऑफिस गए, शाम को वो आ गए, रात को उन्होंने अपना फंक्शन कर लिया एंड नेक्स्ट डे सेम रिपीट कर लिया, ऑफिस ऑफिस चले गए. और बहुत कुछ थोड़ा आसपास होता था माइनर सा, तो मैं चला जाता था, बट मैं भी टाइम टू टाइम जो थोड़ा जल्दी आ जाता था. सो फर्स्ट तो ये है कि हमें जाना है आज शादी में, और उसके लिए पहले हमें जाना है नानी के घर, फिर वहाँ से हम मामा मामी नानी और बच्चे, तो हम सब लोग मिलके फिर जाएंगे वेडिंग के अंदर, तो पूरी फैमिली के साथ होगी, तो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं. और सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि हमने फाइनली एक छोटा सा जुगाड़ वाला सेल्फी स्टिक ले लिया है, सो डैट हम लोग थोड़ा वाइड एंगल और थोड़ा खुल के व्लॉगिंग कर पाए, थोड़ी सी एनर्जी एनर्जी आए. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो अभी तो मैं फिलहाल नहा चुका हूँ और अभी खाना खाना है, साथ ही साथ मैंने अपना आउटफिट रख लिया है और बाकी शूज वगैरह जो भी छोटी मोटी चीजें होती है वो सब पैक कर लिया. तो बस अभी थोड़ी देर में मैं और नोनू निकलेंगे मामा मामी के घर और फिर वहां से चलेंगे शादी में. मस्त प्लान है. तो आज मैं और नोनू स्कूटी पर आए थे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान था, तो अभी हम नानी के घर पहुंच गए हैं, तो अभी हम अंदर चलते हैं. आज साइड चलो. तो यहाँ से एंट्री है, तो घर थोड़ा पुराने स्टाइल से बना हुआ है, बहुत पहले का बना हुआ है. मामा की बाइक खड़ी है और ये आंगन है, यहाँ पे हम लोग बहुत, जब हम छोटे थे हम लोग यहाँ बहुत पहले थे. और अब मैं आपको बड़ी मम्मी से मिलाता हूँ. बड़ी मम्मी नमस्ते. दादा आप अच्छे लग रहे हो. जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, सुनो ना, जो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ वीडियोस मेरे ब्लॉग वगैरह के लिए, तो आज हम लोग शादी का ब्लॉग बनाएंगे. और मैंने आगे स्वाद नहीं, और मैंने सबको सबको बोला था ना कि मैं आपको आपसे मिलवाऊंगा लोग सबको, इस वजह से भी तो एक बार जो भी हमें देखते हैं ना सबको आशीर्वाद दे दो. मेरा तो आशीर्वाद तो सबके सब है, ऐसी बात नहीं है. हाँ सब खुश रहो. सो बड़ी मम्मी से थोड़ा मिल चुके हैं, अब एक और न्यू मेंबर से मिल लीजिए. ये हमारे पीहू, इसको आपने शायद से इंस्टाग्राम में मेरे रील में देखा होगा, तो ये बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती है. मेरे ब्लॉग पे है बोलते सबको, और सबको बोलते सब्सक्राइब कर लो. सरप्राइज नहीं कर दो, सब्सक्राइब कर दो. अरे कहना क्या चाहते हो. और ये है हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर महकू. महकू हाय बोलो सबको, व्लॉग के लिए हाय बोलो, सबको बोलो सब्सक्राइब कर दो. अरे बोलो कोई सेंस है इस बात. तो ये है तनीषा, इस घर के बच्चों में सबसे बड़ी, बट अक्का से सबसे ज्यादा छोटी. और आज हमें शादी में आया था तो इसने अगले पिछले दो दिन से कुछ नहीं खा रखा, इसने बोला है मैं शादी में जाके ही खाऊंगी जब खाऊंगी. अगर तू चाहती है, अगर तू चाहती है तेरी बेइज्जती ना करूं, अगर तू चाहती है मैं तेरी बेइज्जती ना करूं, तो सबको बोल दे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, हमारा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट भी कमेंट करे, और वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार करे, और वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार करे. थैंक यू. तो मैं आपको अपनी एक और प्यारी सी कजन से मिलाता हूँ, काकू से. काकू अभी भी नहा के आई है, पूरे दो साल बाद इसने नहाई है आज. दो ही बार नहाती है, एक दिवाली पे एक होली पे. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. तो अभी हमने घर के अंदर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है, मैं मामा जी साहिल काकू पीहू. तो खेलते खेलते मामा जी ने इतना खतरनाक शॉट मारा, बॉल कहाँ चली गई, बॉल कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है. जब बॉल मिलेगी तो खेल दोबारा शुरू होगा, तो पहले बॉल ढूंढते हैं एक बारी. हाँ ये कर लो पहले. यहाँ पीहू का पोपट हो गया, पीहू रो रही है. तो करते करते टाइम आ चुका है रेडी होने का, शाम के बज गए 7 और ये तनीषा मेरे को मेकअप करते हुए. अरे ढकी है तो कम से कम एक घंटा वेट करने के बाद जाके हमें कैब मिली. हम एक घंटे से रेडी होके वेट कर रहे थे कि कैब आ जाए कैब आ जाए, बट कोई कैब आ नहीं थी. तो फाइनली हमें कैब मिली है और अब देखें मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल, हम सब लोगों को फिर एक कैब में एडजस्ट होना, 4 बड़े लोग और 2 बच्चे. ये दुख का खत्म नहीं होता बे. ब्लॉग कर रहा था तो उसके अंदर क्या हुआ, मैंने ना कैमरा बाई मिस्टेक ऑफ कर दिया था, और फिर मैं बोल रहा था पर प्रेम का ध्यान था, तो प्रेम ने मेरे को बोला कि अरे भैया आपने तो कैमरा ऑलरेडी ऑफ कर रखा, पहले कैमरा तो ऑन करो. तो ऐसी प्रेम ध्यान रखियो ठीक है ना. तो अभी हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी दिल्ली के एंड क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को तो पता है बट काफ़ी सब लोगों को नहीं भी पता होगा, बट दिल्ली के एंड पहले हम लोग, जब मैं बहुत छोटा था, जब मेरा बर्थ हुआ था, तो हम यहाँ रहते थे दिल्ली के एंड, बिकॉज हमारे दादाजी आर्मी में थे, तो हम लोग दिल्ली के एंड में रहते थे. सो दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल,
तो जब हम लोग अंदर यहाँ पे रहते थे यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आती थी, बहुत अच्छा पार्क था और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर रैंक के लोग होते थे। और जब मैं छोटा था मैं बहुत गोलू वोलू था तो बहुत सब लोग मुझे पकड़ लेते थे और मुझसे पूछते रहते थे तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, मैं बोलता था अक्षय नाम है मेरा, सब बोलते थे अक्षय कुमार या खन्ना इस तरीके से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, मतलब ये पता नहीं क्या फॉल्ट है क्या था, बट एक बहुत बड़ा इशू था कि हमने उबर बुक करी थी लोकेशन पे आने के लिए। तो ये सब उबर यूजर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उबर बुक करी थी लोकेशन पे आने के लिए तो हमें चार्जेस दिखाए गए थे अराउंड 500 रुपीज़, बट जब हमें बिल पे करना पड़ा तो हमें उसका ट्रिपल गुना, मतलब 3x into 3 हमने उसको 1500 पे करे। और ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले दी नहीं गई थी, सो मैं सबको बताना चाहूँगा अगर इनकेस आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप भी ईमेल डालिएगा, बिकॉज मैं भी अभी ईमेल कंप्लेंट डालूंगा इसके ऊपर। पहली कमाई YouTube की, ब्लॉग की पहली कमाई, ब्लॉग करते हुए मुझे पहली बार पैसा आया। पैसा ही पैसा हो गया। तो शादी की जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना मेरे को, वो लगती है यहाँ की कॉफ़ी, क्योंकि फ्रेश वाली कॉफ़ी होती है ना, बट मेरे टाइम तक जाते जाते कॉफ़ी हो गई थी ठंडी और सिर्फ प्रेम को मिल पाई है। प्रेम मस्त चुस्किया ले रहा है अकेले, एक बार टेस्ट करके मैं वापस दे रहा हूँ। ये टेक्निक होती है बच्चों से चीज़ें छीनने की। वो यार सच में बहुत टेस्टी है, बहुत सही है। ले देखा, ये मेन इंजो टेक्निक थी बच्चों से सामान छीनने की। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? तो ऊबर ऐप में अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, बट हमें घर तो जाना ही है, रात हो रही है, फैमिली के साथ है, तो अभी हम लोग कैब बुक करते हैं और फिर कैब 2 मिनट में आ रही है, फिर घर चलते हैं। शादी बहुत अच्छी रही, मज़ा आया, बट हाँ ऊबर वाली चीज़ थोड़ी सी परेशानी कर दी। सो फाइनली वी आर बैक होम। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा, फैमिली के साथ बहुत मज़ा आया, हमने गाड़ी में जाते हुए बहुत मज़े करे, गाड़ी से आते हुए बहुत मज़े करे, बट दिस ऊबर स्कैम मतलब आई ट्रूली से बहुत ही बुरा था, क्योंकि उसका रीज़न ये भी था कि वैसे मामा मामी का ये प्लान था कि अपने कन्वेंस से चलेंगे, बट मेरे ही सजेशन था कि अपने उससे जाएंगे, ड्राइव करेंगे, कपड़े पहन रखे हैं, रेडी होके गए हैं, तो कैब से चल लेते हैं, इजी रहेगा। बट जो हुआ वो बहुत ही बुरा था और बहुत ही एम्बेरेसिंग था, बट हाँ ऑब्वियसली जो बिल था वो तो हमें पे करना ही पड़ा, बिकॉज ऊबर ड्राइवर को भी हम किसी ऐसे कुछ बोल नहीं सकते और ना उनसे ऐसे कुछ लड़ाई वड़ाई कर सकते, वो अपना काम कर रहे हैं। बट स्टिल दिस ऊबर कंपनी जो ये कर रही है वो बहुत गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चलो हम तो उस चीज़ को झेल सकते थे, बट मे बी कोई बंदे को इमरजेंसी हो, उसके पास वो अमाउंट ना हो देने लायक, तो उसको तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट उसी के साथ हम लोग घर आ चुके हैं, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी प्रॉब्लम रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक और आगे तक शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका स्कैम के बारे में पता लग जाए, और भाई प्यार से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो।